हेलो लिसनर्स, हम आपके लिए लाए हैं ब्यूटीफुल रियल लव स्टोरीज जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। और दोस्तों, ये लव स्टोरीज वो लव स्टोरी हैं जिसमें आप जानेंगे कि प्यार की अहमियत क्या है और प्यार होता क्या है रियल में। ऐसा क्या होता है प्यार में जो नॉर्मल इंसान समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मिर्ज़ा एंड साहिबा की लव स्टोरी, जो कि इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी मानी जाती है। और दोस्तों, अगर आप और लव स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमारा जो वेबसाइट है bestlovestories.blogspot.com, यहाँ पे आप हमारे बाकी के जो हैं स्टोरीज़ उनको आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी हम शुरुआत करते हैं मिर्ज़ा एंड साहिबा। दोस्तों, मिर्ज़ा और साहिबा बचपन से ही साथ में रहा करते थे और साथ में एक ही मौलाना जो थे उनके, उनसे ही वो पढ़ाई किया करते थे। मतलब उनके जो टीचर थे वो एक ही टीचर से दोनों पढ़ा करते थे। जो हमारे मिर्ज़ा एंड साहिबा हैं, उन्हें पहले से ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम था। और ये बात जो मौलाना साहब थे, उन्हें इस चीज़ का आइडिया लग चुका था। मौलाना हैं, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके सामने सब चीज़ें हो रही हैं, तो उन्हें इस चीज़ की भनक हो गई थी कि ये इन दोनों के बीच में कहीं इश्क पलने लग गया है। मिर्ज़ा एंड जो साहिबा थे बिलोंग्स टू ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से वो साथ थे और वो एक दूसरे को ही दिन रात माना करते थे। दिन निकलते गए और वो दोनों बड़े होते गए और उनके साथ साथ उनकी लव स्टोरी भी धीरे धीरे बड़ी होती गई। सबसे पहला जो उनका प्यार था वो पता लगा मौलाना साहब को, जिन मौलाना ने उन्हें बचपन में पढ़ाया था। और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में पता लग गई। और हुआ क्या, ऑन अदर हैंड वर नोन जो हमारी साहिबा थी, जो कि हीरोइन कह सकते हैं आप इस लव स्टोरी की, उनके घर में भी जब इस चीज़ को पता लगा, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री या फिर इंडियन हम बात करें जो हमारे पुराने ज़माने के लोग हैं आज भी, अगर उन्हें पता लगता है कि एक लड़की का किसी से प्यार मोहब्बत चल रहा है या फिर इश्क चल रहा है, तो वो उसकी रिलेशनशिप जो है वो किसी और से करने में उसे, मतलब एक उसके लिए पार्टनर ढूंढना शुरू कर देते हैं। सेम यही केस हुआ साहिबा के साथ। साहिबा के लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे और उसका रिश्ता किसी और से करने का ठान लिया गया। साहिबा की शादी की तैयारियां हो रही थी। साहिबा चाहती थी कि वो सारी रिस्ट्रिक्शन जो उसके ऊपर बंदिशें लगाई गई हैं वो सब तोड़ दें और मिर्ज़ा के साथ वो चली जाए, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। दोस्तों, इससे हमें ये मॉरल मिलता है कि जो एक लड़की होती है वो काफ़ी मजबूर हो जाती है जब उसके घर वाले उसके ऊपर काफ़ी दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, उसे बांध के रख लेते हैं, उसे घर में बंद करके रखते हैं। और ये चीज़ें आज भी होती हैं, ये नई बात नहीं है, आज भी ये चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में और हमारे समाज में, जहाँ पर अगर लड़की को किसी और से मोहब्बत या प्यार हो जाता है तो उसे घर में बंद कर दिया जाता है, उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उसका फ़ोन ले लिया जाता है और उसे बहुत ही बुरा भला बोला जाता है। मतलब उसे ऐसा समझा जाता है कि अगर उसने किसी से इश्क कर लिया है तो उसने कोई गुनाह कर दिया। पर दोस्तों, इश्क करना गुनाह नहीं, मगर इश्क करके इश्क से भागना, इससे बड़ा गुनाह भी और कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सिलसिला चलता रहा, साहिबा की शादी की तैयारियाँ चल रही थी और इस सिचुएशन में उसको सिर्फ एक ही सपोर्ट था। उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा और वो लेटर उसने मिर्ज़ा के घर के लिए भेज दिया गया। और उसमें लिखा था कि हे मिर्ज़ा, तुम्हारी साहिबा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले जाओ। और हुआ क्या दोस्तों, जैसे ही मिर्ज़ा ने इस मैसेज को या इस लेटर को पढ़ा, वो वहाँ पे चला गया जहाँ पे साहिबा की शादी हो रही थी, शादी की तैयारियाँ चल रही थी।
जैसे ही मिर्ज़ा पहुंचा साहिबा के घर जहां पे शादियों की तैयारियां हो रही थी, वो सीधा चला गया साहिबा के घर के अंदर। और उसे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, उसे कोई मतलब नहीं। और उसने साहिबा को अपने साथ घोड़े पे बिठाया, सबके सामने, ये भी नहीं छुपके, सबके सामने उसे घोड़े पे बिठाया और उसकी फैमिली के सामने उसे उठा के ले गया। मिर्ज़ा एक बहुत ही बेहतरीन घुड़सवार था। और हुआ क्या, मिर्ज़ा के जब वो साहिबा को लेके निकल रहा था तो रास्ते में ही मिर्ज़ा के पुराने दुश्मनों से उसकी लड़ाई हुई। और ये वही लोग थे जिनको मिर्ज़ा ने किसी ज़माने में कोई बैटल था उसमें हरा दिया था। फाइट होने के बाद मिर्ज़ा ने डिसाइड किया, क्योंकि मिर्ज़ा काफ़ी थक गया था और काफ़ी जख्मी हो गया था, मिर्ज़ा ने डिसाइड किया कि वो आस पड़ोस की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जाके थोड़ा आराम कर लेगा। और उसे पता था कि जो साहिबा के फैमिली वाले हैं वो ऑलवेज ही बातों से लड़ने आएंगे अगर वो उनकी डॉटर को लेके आया है, तो वो ऑलवेज ही बातों से लड़ने आएंगे। और उसी समय पे साहिबा को भी ये चीज़ की पूरी नॉलेज थी कि इन दोनों के बीच में फाइट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मिर्ज़ा और साहिबा की फैमिली की। पर साहिबा ये नहीं चाहती थी कि उसका परिवार और मिर्ज़ा की लड़ाई हो। दोस्तों एक मोड़ ऐसा आता है हर किसी रिलेशनशिप में जब लड़की नहीं चाहती, क्योंकि दोनों ही उसके अपने होते हैं। यहाँ लड़का भी उसको अपना ही लगता है और यहाँ उसका परिवार भी उसे अपना ही लगता है। परिवार चाहे कैसा भी हो, उसे कैसा भी कुछ बोला हो, उसे कुछ भी बोला हो, मारा पीटा हो, कुछ भी किया हो, पर एक लड़की के लिए उसका परिवार हमेशा अहमियत रखता है। क्यों रखता है नहीं पता, ना कुछ कह सकते हैं हम इस बारे में, पर वो रखता है। तो साहिबा चाहती नहीं थी कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो। अब जैसे ही मिर्ज़ा को नींद आती है, साहिबा उसके 300 उसके पास होते हैं तीर कमान, उन तीर कमान जिसको हम एरोज़ भी कहते हैं, उन एरोज़ को वो तोड़ देती है। और वो भी साथ में सो जाती है। अब दोस्तों होता क्या है, जब सुबह मिर्ज़ा उठता है और वो देखता है कि साहिबा के परिवार ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, तो वो जैसे ही अपने तीर कमान उठाने लगता है, उसकी नज़र जाती है कि साहिबा ने उसके सारे तीर कमान तोड़ दिए हैं, जितने भी तीर होते हैं वो सारे तोड़ दिए हैं। पर मिर्ज़ा इस बात से गुस्सा नहीं होता साहिबा पे, क्योंकि उसे पता होता है कि साहिबा उससे प्यार करती है। अब दोस्तों साहिबा ने ऐसा क्यों किया, ये गुत्थी बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग कहते हैं कि साहिबा बेवफा निकली, उस पर एक पंजाबी सॉन्ग भी बना है, अच्छा सॉन्ग है, पर दोस्तों सच ये नहीं था। बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि मिर्ज़ा साहिबा में, साहिबा ने मिर्ज़ा को मरवा दिया, पर दोस्तों मरी तो साहिबा भी थी। और जब वो दोनों मर गए, और आज के लोग साहिबा को ब्लेम करते हैं उनकी स्टोरीज़ में, मोस्ट ऑफ द मैंने स्टोरीज सुनी है मिर्ज़ा साहिबा की, उसके अंदर वो साहिबा को ब्लेम करते हैं कि साहिबा ने मिर्ज़ा को मरवाया। बट दोस्तों रियल में हुआ क्या, साहिबा जिस परिवार की बेटी है उसे पता है कि मिर्ज़ा बहुत ही बढ़िया तीर कमान चलाने वाला है, और अगर साहिबा की जो फैमिली है वो आ जाती और साहिबा उनको मारता या मार देता तीर से, तो साहिबा को बुरा लगता क्योंकि वो तो साहिबा का परिवार है। तो उसे लगा कि मिर्ज़ा को तो मैं, मिर्ज़ा के तीर तो मैं तोड़ देती हूँ, और जब मेरे परिवार वाले आ जाएंगे तो मैं उनको मना लूँगी। ये था साहिबा का अंधविश्वास, जिसने मिर्ज़ा को भी मरवा दिया और साहिबा को भी मरवा दिया। क्योंकि दोस्तों परिवार जो लोग होते हैं
उन्हें चीज़ें समझ में कम आती हैं। कई परिवार वालों को समझ में आ जाती है, कई वालों को नहीं आती है। और उस केस में क्या होता है, लड़का लड़की दोनों ही शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको स्टोरीज अगर और पढ़नी हो तो हमारा ब्लॉग है बेस्ट लव स्टोरीज़, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, URL आपके सामने है। और दोस्तों, अगर आप पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो पॉडकास्ट है हमारा रिलेशनशिप हेल्प बुक, जो आपको आप कहीं भी सर्च मारेंगे किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे वह आपको मिल जाएगा। सो गाइज, आई होप यू विल लाइक द स्टोरी एंड लाइक आवर वीडियो एंड सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे।